हेलो सर, कैसे हो सर आप? हेलो। तो सर, हमारी चैनल डिजिटल रिवर्स में आपसे बहुत बहुत स्वागत है सर। और सर, मेरा एक मेन क्वेश्चन था यहाँ पे जेएमएस स्टूडियो से कि भाई यहाँ पे आप ही से क्यों जुड़े, क्योंकि यहाँ पे तो सूरत में कई बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं जो सबका एक मोनोपोली लेके कुछ अलग वेराइटीज बना रहे हैं। तो सर, आप ऐसा क्या मतलब सपोर्ट करते हो व्यूवर्स को सर? देखिए, सबसे पहले सबका अपना अपना काम होता है। हम लोग की स्पेशलिटी क्या है, हम लोग एक क्वालिटी पे बहुत फोकस करते हैं। क्वालिटी होनी चाहिए और विद प्राइस होना चाहिए, ताकि आगे होलसेल में भी सेल करना हो और रिटेल में भी सेल करना हो तो उसको प्रॉफिट मिले। जब तक सामने वाले को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, फायदा क्या है उसको काम करने का? तो हमेशा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, क्वालिटी हमेशा सही रहेगा। आपके यहाँ, आपके साथ यहाँ चीटिंग नहीं होगी। आप जो पसंद करोगे वही आपको जाने वाला है। अगर हमारे पास वो माल खत्म हो जाता है तो हम आपको बताएंगे कि खत्म हो गया है, या तो आप इसका रिफंड ले लीजिए या तो उसकी जगह दूसरा सिलेक्ट कर लीजिए। कभी भी गलत चीज नहीं यानी भेजेंगे। कि जो बिजनेस में रूल्स होते हैं उसका मतलब बहुत, हम पालन किया जाए। लोग 25 years+ हो चुका हमारे को, ट्वेंटी फाइव सूरत ईयर्स हो गए। 25 साल से ऊपर हो चुके हमको। तो हम लोग हमेशा इतने साल से इसलिए टिके हुए क्योंकि हमारा एक गुडविल है, एक ब्रांड वैल्यू है। हम लोग का मेन ब्रांड नवदुर्गा साड़ी प्राइवेट लिमिटेड है, जो हमारे फादर ने स्टार्ट किया था, और उसके अंडर आता है हमारा जेएमएस स्टूडियो और जय माता दी का ब्रांड। तो वो दोनों फैंसी और प्रिंट के रेंज हो जाते हैं। और सर, जैसे यहाँ पे कई बार जैसे भी हम देख रहे हैं, जैसे कोविड का जो माहौल था उसके बाद लोगों को एक आत्मनिर्भर होना है, खुद से बिजनेस बहुत करना बहुत है, लोग तो हैं। सर उसके लिए आपके यहाँ से क्या सपोर्ट मिले? जैसे जब मैं अगर मैं अपना खुद की मैं बात करूँ, मैं अगर टेक्सटाइल बिजनेस करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, ना कपड़े का नॉलेज है ना कुछ है, तो सर मैं स्टार्ट कैसे करूँ एक? देखिए, हम लोग है ना, पहले डायरेक्ट भी सेल करते थे। डिमांड आई, हम लोग को फोन आते थे, तो हमने आपको कांटेक्ट किया, ऑनलाइन वीडियो बनाना स्टार्ट किया। उससे हमको रियलाइज हुआ कि बहुत लोग ऐसे जिनको नया स्टार्ट करना होता है, तो उन लोग के लिए क्या, हम लोग हमेशा गाइडेंस के लिए रहते हैं। और स्पेशली अगर आप 25,000+ का प्रोडक्ट लोगे हमारे यहाँ से, तो उस बंदे का नंबर मेरे पास आ जाता है, वो मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ यानी कि आपके डेटाबेस में से मेरे हुई है। डेटाबेस में, और उसको मेरे तरफ से एक मैसेज चला जाएगा वेलकम टू द फैमिली का। और हमेशा जब भी कोई इश्यू हो, गाइडेंस चाहिए हो, आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करो, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको प्रोडक्ट सेल करना है, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे हो, आपको गाइडेंस चाहिए, बहुत बार होता है। देखिए, एक एडवाइस मैं देता हूँ, आपने मेरे यहाँ से 100 साड़ीज ली, आप रिटेल कर रहे हो, रिटेल में 100% तक प्रॉफिट लेते हैं लोग, 50 से 100 ले, 80 साड़ी सेल हो गई, 20 साड़ी फंस गई। अब इसमें क्या होता है, कस्टम हमारे मतलब जो सेलर होता है सोच के बैठ जाता है कि हमको तो उतना ही प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को भी बहुत बार बहुत से प्रोडक्ट में हमारा मार्जिन गिराना पड़ता है स्टॉक क्लियर करने के लिए। अगर आप स्टॉक क्लियर कर दोगे, आपका कैश वापस आ जाएगा जो आपने पूंजी लगाई है, तो आपका टर्नओवर स्टार्ट हो जाएगा, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा कैश का। कैश का रोटेशन होगा तो आपने न्यू प्रोडक्ट लेके न्यू सेल कर सकते हो, और 20 साड़ी के लिए आप वेट करते रहोगे, आपका 1 महीना 2 महीना वेस्ट हो जाएगा। जैसे सर ने तो यहाँ पे बता दिया आपको सेलिंग आपको कैसे करनी है। और सर, जैसे यहाँ पे कई बार जैसे अगर टेक्सटाइल बिजनेस, खरीदी भी मेन होती है, सेलिंग भी मेन बहुत होती है, जरूरी होती और है, प्रोडक्ट क्या ले वो भी मेन होती है, बहुत तो सर जरूरी होती उसके है। बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी जैसे प्रोडक्ट आप पूछ रहे हो, अभी पूजा का मार्केट अच्छा चल रहा है, जैसे कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, ये सब साइड पूजा का बिक्री होता है, तो उन लोगों का परचेजिंग अभी से स्टार्ट हो जाता है। फिर दिवाली के, दिवाली अभी पूजा मतलब समझ लो ये मंथ क्लियर हो जाएगा, अगस्त खत्म हो गया, अभी सितंबर का 15 सितंबर क्लियर हो जाएगा। 15 सितंबर से दिवाली तक महाराष्ट्र में हैवी सेल होता है, तो 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच महाराष्ट्र के क्लाइंट्स को परचेजिंग करनी चाहिए सूरत से, ताकि उनके पास स्टॉक रहे दिवाली तक के सेल के लिए। और सर तो जैसे यहाँ मार्केट डिमांड के हिसाब से आपको परचेजिंग करनी मतलब होती पहले है। नीड देखो और उसके बाद परचेसिंग हाँ, करो, राइट आप सर? आग बंद करके आप बोलोगे मेरे को शॉप स्टार्ट करना है, मेरे को 500 साड़ी खरीदनी है, आपका 500 साड़ी मेरे को दे दीजिए, ये लीजिए पैसा, ऐसा नहीं होता है। आपको ये देखना है अभी मार्केट का क्या डिमांड है, फिर आप परचेजिंग करो। कुछ भी खरीद लोगे तो 500 साड़ी में से 1 साड़ी भी नहीं बिकेगा। और सर जैसे यहाँ पे आपका 25 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मतलब कई लोग जैसे बिजनेस टेक्सटाइल बिजनेस में आते हैं लेकिन थोड़े दिनों के बाद छोड़ देते, कई लोग होते जो कंटिन्यूटी करते, तो आपके हिसाब से मिनिमम कितने दिन तो मतलब टेक्सटाइल बिजनेस को देने चाहिए सर एक हिसाब से? देखिए, टेक्सटाइल बिजनेस बता बहुत वसूलों वाला बिजनेस है, अगर आप उसमें कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं करोगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है, तो आप 1 से 2 साल में सेट हो सकते हो। अगर आप सोचोगे मैं ऐसा कर देता हूँ वैसा कर देता हूँ, पैसा कमाना है, झोलझाल करना है, उसमें आप 1 साल 2 साल बाद बिजनेस भी बंद हो जाएगा। मेहनत वाला काम है, टेक्सटाइल बिजनेस इजी नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपको रेट वाइज सेल करना पड़ता है। और सर जैसे आपका यहाँ पे जैसे कई लोग होलसेलर है, कई लोग मैन्युफैक्चरर, तो आपका सेगमेंट कौन से में आता है हम सर? लोग का प्रोडक्शन होता है, आपका खुद का हम लोग प्रोडक्शन है? ट्रेडिंग नहीं करते, ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारा कैटलॉग दूसरे के पास आपको नहीं मिलेगा। और सर क्या क्या वेराइटीज मिल जाएगी सर यहाँ पे? हम लोग प्रिंट की साड़ी बनाते हैं, हमने स्टार्ट की थी वर्क की साड़ी से 25 साल पहले, फिर हमने डिमांड के साथ साथ प्रिंट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, फिर
3 साल हो गया है लहंगे का डिमांड बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमने लहंगे का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। हमारे पास हर वेराइटी का लहंगा मिलता है 515 रुपीज से लेके 15,000 तक का, और जितना ऊंचा लहंगा लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। हमारा एक लहंगा है 12,000 वाला जो 50,000 में सेल होता है। क्या बात है सर, मतलब कितना मुनाफा यार, मतलब क्वालिटी होगी तो सही है, क्वालिटी होगी तो। लेकिन हाँ, बोलोगे 515 वाले को मुझे 2,000 में सेल करना, वो नहीं होगा। वो आप 800-700 में बेच सकते हो। तो सर मतलब अपने यहाँ पे सूरत की मैं बात करूँ, हैवी से हैवी लहंगा कितने तक बनता होगा सर? सूरत में तो 25,000 का भी बनता है, 25,000 तक मैक्सिमम जाता है, 20-25,000 बन जाता है। क्योंकि मार्केट में सर हम देखते हैं जैसे दिल्ली हो गया, कई अलग अलग जैसे सिटीज हो गई, तो मैं लाख लाख रुपए के लहंगे बिकते हैं, 80-80,000 के रुपए के बिकते हैं। और मतलब सूरत कुछ जयपुर के भी होते इधर उधर के थे, सूरत के लहंगे बिकते, लेकिन आजकल सूरत में क्या, सूरत कैसा मार्केट है, यहाँ पे कोई चीज चालू हो गई ना वो बाकी दुनिया खत्म हो जाती है। सही, मतलब लहंगा पहले बनता था जयपुर बंगाल में, कलकत्ता में, अब सूरत खा गया वो मार्केट को। राइट, मतलब इतना प्रोडक्शन इतना फास्ट कर देते, मतलब उसको कॉम्पीट ही नहीं कर पाता है। यहाँ पे बर्फी सारी बनती थी कलकत्ता में, अब सूरत में बनती है वो सारी, कलकत्ता कटे सूरत में बनता है, यहाँ से कलकत्ता जाता है बिकने। तो सर मतलब आपका सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना सर, एक झलक अगर एशिया के कंपैरिजन करे सूरत से तो क्या कहना चाहेंगे टेक्सटाइल सूरत के लिए? आपको सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री देता है। सबसे ऊपर एग्रीकल्चर आता है, उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री आता है। इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे लाखों ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, एक छोटे से एरिया में इतने बड़े इंडस्ट्री है ये। पूरा स्टेट हमारा इनकम टैक्स का इनकम सरकार को यहाँ से बहुत बड़ा होता है, कंपटीशन बहुत हाई है यहाँ, तो क्वालिटी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ हर टाइप के लोग मिलेंगे, गलत भी मिलेंगे सही भी मिलेंगे, कस्टमर का ड्यूटी होता है पूरा रिसर्च करके आए। डेफिनेटली बात सर की सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको भी एक जागरूक उपभोक्ता होना जरूरी है। यहाँ चीटिंग होगी आपके साथ अगर आप होशियार नहीं रहोगे, सही मैं बता देता। और मतलब सर बिजनेस तो उसूल ही है आपको, मतलब चालक तो बनना ही पड़ेगा, बनना पड़ेगा, होशियारी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं, कोई भी आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। बनते हैं बहुत लोग, हमारे को फोन आता है कि सर हमने उससे लिया था उसने ऐसा किया हमारे साथ, नाम किसी का नहीं बताऊंगा, हमारे को दूसरे कंपनी से कंप्लेन आते हैं। एक आदमी बोलता है कि हेल्प कर दीजिए, अब हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, दूसरे ने आपके साथ चीटिंग किया, आप हमारे यहाँ कुछ गलत होगा तो आपकी सहायता के लिए हम खड़े हैं। डेफिनेटली सर, आपके बात डेफिनेटली सही।